हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्रीम का रिव्यू लाई हूँ। ये एक स्किन क्रीम है, ये है सोफ्रामाइसिन का स्किन क्रीम। इसे फार्मेसिटिन स्किन क्रीम भी बोला जाता है। अगर इस क्रीम के बारे में आपको जानकारी दे दूँ तो ये क्रीम खास करके यूज किया जाता है ट्रीटमेंट में। किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से इसके उपयोग है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करें इस क्रीम के ट्रीटमेंट की, तो आपको बता दूँ कि ये क्रीम लाभदायक है अगर आपके स्किन पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी पस पिंपल्स जो आ जाता है। इसके अलावा आपके बॉडी पार्ट्स के स्किन में किसी भी तरह की अगर खुजली है, इन्फेक्शन है, घाव है या फिर जले कटे का निशान है, या फिर अगर आपको बर्निंग हो गई है यानी किसी वजह से गर्म चीज़ों से स्किन जल गई है, उसमें अगर फफोले आ गए हैं, इसके अलावा आपके स्किन पे फोड़े फुंसी, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं अपनी स्किन की ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इसे कैसे प्रयोग करना चाहिए और कौन से जगह पे किस तरह से यूज किया जाता है। तो आपको बता दूँ कि जब भी आप अपने चेहरे के लिए प्रयोग करते हैं तो हमेशा आपको स्किन के ऊपरी पार्ट में यूज करना होगा। जैसे आपके आँखों के ऊपर में अगर किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन के बाहरी त्वचा में यानी ऊपर की जो चमड़ी होती है, सिर्फ यहीं आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कान के अंदर का घाव हो गया या फिर ऐसा इन्फेक्शन जो आपके शरीर के भीतरी ओर है, तो आप उस जगह इस क्रीम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके कान के ऊपर में घाव हो चुका है, पस या पिंपल इस तरह का कोई भी घाव हो चुका है, तो आप उसे यहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक यूज करना होगा। जिस तरह से आप आँखों में अप्लाई करते हैं उसी तरह से कान में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाहरी भाग में, अंदरूनी भाग या अंदर के भाग में इस क्रीम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो घाव आपके स्किन पे है, उंगलियों पे है, हाथों पे या पैरों पे, किसी भी जगह पे किसी भी तरह का चोट, निशान, घाव, जितनी भी प्रॉब्लम से आप इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं उस जगह। इसके अलावा अगर आपके स्किन पे फोड़े फुंसियाँ हो चुकी हैं तो आप उसे भी ठीक करने के लिए इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। इस क्रीम का प्रयोग आप दिन या रात किसी भी समय में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे लंबे समय के लिए प्रयोग नहीं करनी होगी। जब तक आपकी समस्या होगी तभी तक ये आपके स्किन के लिए सूटेबल है। अब चेहरे की बात करें तो चेहरे में आपको फोड़े फुंसियों में तो ज़रूर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके फोड़े फुंसी या पिंपल्स जो होते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। जिन पिंपल्स में पस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है सिर्फ उसी में प्रयोग करें। अन्यथा अगर आपके स्किन पे और भी तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे झाइयाँ, स्कार्स या फिर छोटे छोटे दाने वाली फुंसियाँ, तो उन सभी कंडीशन में इस क्रीम का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें वो सूटेबल नहीं है। अगर आपको उस तरह की प्रॉब्लम हो रही या फिर स्कार्स को आपको ख़त्म करना है, तो आपको एक स्टीरोइड क्रीम का प्रयोग करना होगा जो आपके फेस के लिए यूजफुल हो। इसके अलावा इस क्रीम का प्रयोग अपने जांघों के एरिया पे कर सकते हैं। जैसे कि उसमें खुजली, इन्फेक्शन हो जाता है तो आप उसमें इस क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा संक्रमण या फिर वायरस को ये फैलने से रोकती है, जिससे आपकी स्किन जल्दी से ही ठीक हो जाती है। इस क्रीम के तो वैसे साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है, लेकिन कुछ बहुत साइड इफ़ेक्ट है, जैसे लगाने के बाद आपके स्किन पर जलन हो सकती है, रैसेस हो सकती है या फिर लालपन आ सकता है। अगर इस क्रीम की बात करें तो इसमें दो तरह की पैकेजिंग आपको देखने को मिलेगी, 30 ग्राम की और 100 ग्राम की, और काफ़ी सस्ती भी है ये क्रीम। 30 ग्राम की अगर आप ये ट्यूब लेते हैं तो 55 रुपये लगेंगे मात्र, और 100 ग्राम के लिए आपको 173 रुपये लगेंगे। ये सभी प्रयोग कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल सभी। इसके साथ ही साथ अगर बच्चों को प्रयोग करना चाहते हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।